अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहसिन रज़ा है और मेरे साथ मेरे भाई हैं आरव भाई। तो आरव भाई, ये गाड़ी लेकर आए हैं उनके दोस्त चंगान ओशान X7। तो इस गाड़ी के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे आरव भाई से कि चंगान X7 जो है, ओशान X7 है, इसके फीचर्स क्या है, इसकी प्राइस क्या है और इसका जो सफ़र है वो कैसा है, कम्फर्ट है या इसमें और क्या क्या जो चीज़ें हैं जो दूसरी गाड़ी में नहीं है, जो उसकी प्राइसेस जो आपको पता है दूसरी गाड़ी की प्राइस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो इस बारे में हम देखते हैं कि इस गाड़ी की जो प्राइस क्या है। सबसे पहले रहीम साहब, इसका ये सिक्योरिटी सिस्टम है, ये देखें हाथ से भी खुल जाता है इस तरह। ओ, आओ गाड़ी में बैठे। अच्छा जी, अभी गाड़ी में जो इसके इंटीरियर जो फीचर है उसके बारे में पूछते हैं आरव भाई से कि इसके जो क्या जो यूनिक फीचर है उसके बारे में आरव भाई बताएंगे। जी आरव भाई, इसका जो पहले गियर सिस्टम है वो कैसा है? तो ये फुली ऑटोमेटिक है जी। सही। टोटल क्रूज कंट्रोल है, मल्टी सिस्टम है इसका और पुश स्टार्ट है। ये स्टार्ट हो गई, इसके कंट्रोल सारे आ गए आपको सामने डिस्प्ले में। सही। ये ऐसे आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, वॉल्यूम है, मल्टी है, सारा इसके जो फीचर्स हैं इधर है। एक तो इसके ये वाइपर का सिस्टम है जो चलाए जरा। सही। अब एक इसकी लाइटें जो हैं वो उल्टी डायरेक्शन की, दूसरी गाड़ियों के आगे चलती हैं, इसके पीछे चलती हैं जी। सही। ये हो गया, ये इसका फुल नेविगेशन सिस्टम है इसमें। इसमें अभी उन्होंने कहा था कि जी आप हमारे पास 10-15 दिन बाद आएँ, इसको अपडेट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देंगे और ये गाड़ी जो है आपकी स्पीच के साथ सारा कंट्रोल करेगी, जो जो आप बोलेंगे ये उस पर अमल दरामद करेगी। और दूसरा ये है इसका जो टोटल एसी सिस्टम है, ये सारा फुली टच सिस्टम है। ये तो ये स्पीच सिस्टम जो है ये स्पीड भी इसके साथ होगी जब आप गाड़ी चलाएंगे तो आप। दूसरा इसका बैक व्यू कैमरे लगे हुए हैं सारे फुल 360 के कैमरे हैं। ये देखें गाड़ी की सारी लोक, इधर पूरी जो गाड़ी के गर्द चीज़ें हैं वो भी नज़र आ रही हैं। ये देख लें, ये मुर्गियाँ हैं, ये पास ये नज़र आ रही हैं। दूसरा ये वाला कैमरा कौन सा है? ये 360, ये सारा ये गाड़ी की एक पिक्चर होती है। सही है। एक उन्होंने पिक्चर इंस्टॉल की होती है और ये जो गर्द ये कैमरे हैं सारे इसके। इसके साइड में कैमरे हैं, इसके शीशों में है, साइड मिरर में है, फ्रंट में है, बैक में है और आगे जो बम्पर है उसके नीचे एक LCD लगी हुई जो सारा कंट्रोल करती है। दूसरा इसका कैमरे की डायरेक्शन देखें, ये जो ही मैंने रिवर्स लगाया, स्टीयरिंग को मूव करूंगा, ये पीछे वाली डायरेक्शन आपको दिखाएगी ये गाड़ी किस समत में जाएगी। ये देखें, ये सही। ये और दूसरा ये जो ही गाड़ी रेड लाइन को पहुँचेगी ये आपको बीप टोन देगी। ये जो येलो वाली लाइन है इस पे हल्का हल्का टोन देगी, ये जो ही रेड पे पहुंचेगी ये आपको मसलसल और बार बार जो है ना वो टोन देगी, ये आपको वो अलर्ट जारी कर देगी आपसे बस खड़े। अच्छा ये क्या चीज़ है? ये इसका जो है ना AC, बाकी कंट्रोल है, टेम्परेचर मेंटेन है। इसमें एक ज़बरदस्त फीचर ये है, इधर से आप अगर इसको एडजस्ट करते हैं कि जी गाड़ी का टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड रहे। सही है। तो ये अगर 20 ऊपर जाएगा तो AC खुद चलाएगी। गाड़ी के अंदर का या इंजन का? गाड़ी के अंदर का जो है, अंदर रूम का है, इंजन का नहीं, रूम का, ये जो रूम का है ना। सही है। और अगर ठंड ज्यादा होगी तो हीटिंग सिस्टम देगी। दूसरा इस गाड़ी में एक जबरदस्त फीचर ये है, ये पीछे सीट पे लगाओ मेरी वाली, ये देखो ये फुली रिलैक्स हो गया, टच सिस्टम है, ऐसे तो बंदा सो नहीं जाता। ये हो गया, ये और ये, ये गाड़ी सीट नीचे ले गई आपको, वो बंदे की हाइट के हिसाब से, अगर छोटा बंदा भी इसको चलाता है ना उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सीट खुद बहुत ऊपर आती जाएगी। ये देखो। अच्छा ये क्या चीज़ है? ये जो है इसका सनरूफ है जी। ठीक है। ये ऊपर ये इसका रूफ का पैनल खुल गया। सही है। ये खुद बहुत चला जाएगा, ये हो गया। ये भी जो है ना हमारे गाँव में अभी बारिश लगी हुई है, इसके ऊपर आपको पानी नजर आ रहा है, ये बारिश का पानी जी। और दूसरा जो ये इसका ये माहौल बन गया जी, एक ज़बरदस्त लुक देती है जी। आप गाड़ी के अंदर बैठ के बाहर का नज़ारा भी कर सकते हैं, जैसा यही समझे आप बाइक के बैठे हुए हैं, गाड़ी चलाते हुए जी। बाइक वाला माहौल भी देगी और गाड़ी वाला माहौल भी देगी, क्योंकि इसका रूफ जो है वो बहुत बड़ा है, सन रूफ। इसमें ऊपर से हीट नीचे नहीं आती? नहीं, वो ये उसके साथ जो हीट सिस्टम वो देखो, नीचे पैनल भी लगा हुआ है। ठीक है।
और ये डोर, ये क्या है? ये इसको इस तरह करोगे ये डोर के साथ लाइट चलेगी, अगर इस तरह नहीं करोगे तो डोर के साथ लाइट नहीं चलेगी। ये लाइटें इसके लिए डोर की लाइट है। और यह इसका ज़बरदस्त फीचर्स ये है, इसका जो डोर खोलेंगे आप ना पावर, एक मिनट ये बंद कर दी, सही जो जो डोर खोलता जाएगा वो आपको इंडिकेट कर दी जाएगी इस गाड़ी का ये डोर खोल गया, अपना खोलो, ये जी ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया जी, ऐसे ऐसे बाकी इसका सारा। अच्छा ये वाले बटन है, इनके बारे में बताएं ये क्या है? एक तो ये जो है ना ये आपकी जो सीटें हैं ना, सही है उनको एडजस्ट करने के लिए, एडजस्ट नहीं है जी। ये है इसका जबरदस्त फीचर है, अगर आपको सर्दी लग रही है, सही है। आप चाहते हैं कि मेरी सीट गर्म हो, ये इधर से आपकी सीट को अंदर से हीटिंग देगी। ये सीट में हीटर लगे हुए हैं? ये सीट में हीटर लगे हुए हैं जी, सीट के अंदर, सीट के अंदर जो आपको ये सीट गर्म हो जाएगी जी। तो ये इसे जब गर्मी में हो तो फिर ठंडा कर देगी, ये कंट्रोल है जो भी आप मतलब इसको अगर हीट पे करते हैं या ठंड पे करते हैं। ये ड्राइव मोड क्या है? ड्राइव मोड इसके हैं, ये इको सिस्टम है, सही है। ये देखिए कस्टमाइज आ गया, कस्टम आ गया, नॉर्मल आ गया, ये जो स्पोर्ट्स है अगर इस पे करेंगे तो ये गाड़ी बस आपको उड़ा के लेके जाएगी जी, सही है। पाकिस्तान में तो आप उड़ नहीं सकते। ये जो इको सिस्टम है ये अच्छा फीचर ये है कि इस पे आप नॉर्मली ड्राइव कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि आपकी गाड़ी की जो फ्यूल कंजम्पशन है वो बिल्कुल अच्छा। इसकी फ्यूल कंजम्पशन कितनी है, इसकी जो कितनी माइलेज है? वैसे जी वो कंपनी वालों ने तकरीबन 11 से 13 लीटर बताया है, मगर हमारा जो हिली एरिया है इसमें इतनी तो नहीं होती, ये तो प्लान जो सीधा रोड है मोटर वे वगैरह हो गया उस पर होती है, मगर उम्मीद है कि ये 8-9 देगी। अभी आपने जो इसका सिस्टम बताया जो सीटों का जो है टेम्परेचर का कंट्रोल करने का जो सिस्टम है, ये सारी सीटों में या सिर्फ जो फ्रंट की दो सीटें? ड्राइवर और ड्राइवर के साथ वाली। अच्छा ये क्या है? इसकी जो है ना ये ब्रेकिंग है, इस तरह करेंगे आप इसको दबाएंगे, ये जो है ना ये आपकी गाड़ी खुद ही बहुत हैंड ब्रेक हो जाएगी। अच्छा ये वो बटन वाली हैंड ब्रेक, पुराना सिस्टम होता था खींच के करते थे ना, ये बस वो पुश सिस्टम है, ये हैंड ब्रेक है। और ये ऑटो होल्ड? ऑटो होल्ड वही वो जो इको मोड और दूसरा तीसरा गाड़ी का ड्राइव का मोड चेंज करने के। आर्म रेस्ट भी इसका बहुत प्यारा बना हुआ है। हाँ इसके अंदर कंसोल है, सही। और मजे की बात ये इसके अंदर ये देखें आप, ये मोबाइल, ये मोबाइल के स्लॉटें लगी हुई हैं, ये एक चार्जर लगा हुआ है, वो जो 20 कितना है जी 12 वाट और 120 वाट तक चीज़ें सारी हैं ये अफोर्ड कर सकता है। वो जो सारा बंदा अगर गाड़ी में जो सिगरेट वाला लाइटर है वो जलाते हैं या जो भी चीज़ें जलाते हैं वो चीज़ें है। ये चीज़ भी इसकी है कि इसका पीछे भी जो है ना एसी है, और साथ ही मोबाइल की स्लॉटें लगी हुई हैं, अपना हर बंदा जो है ना अपनी अपनी लीड लगाए और अपना मोबाइल चार्ज करे। अच्छा चले जरा इसके इंजन देखते हैं अभी। हाँ जी ये इंजन के बारे में थोड़ा देखते चलें तो ये सीसी में तो 1500 सीसी है, लेकिन जो कल मैंने ड्राइव की है मुझे तो ये जहाज का इंजन लगा, इतना जबरदस्त कोई नया लेटेस्ट इंजनों ने अपग्रेड इंजन दिया है। हाँ जी सीसी में कम है, एक तो ये देखें फुली पैक इंजन है, लग ही नहीं रहा कोई केबल नजर नहीं आएगी आपका, बस एक ऊपर ऑडी नजर आ रही है ये चीजें। ये इसकी बैटरी आ गई? हाँ जी ये इसकी ड्राई बैटरी है, और ये इसका फ्यूज बॉक्स है, ये इसका वो जो एयर फिल्टर जिसको बोलते हैं ये, बाकी ये सारी चीज़ें देख लें आप। हर इंजन में इस तरह ही होता है, एक इसकी DRL लाइट वो तो डे रनिंग लाइट सारी होती हैं, प्रोजेक्टर लाइट लगी हुई है, ईगल आइज भी इनको बोलते हैं, दूसरा इसके चारों तरफ कैमरा लगे हुए हैं। ये कैमरे? हाँ जी ये कैमरे हैं, ये कैमरा है, एक इसका ये सिस्टम है, ये कोई लेटेस्ट LCD लगी हुई है। ये वो तो नहीं आगे जहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं तो कैमरा दिखाते हैं? हाँ बिल्कुल वही इस तरह का कोई फीचर है। टायर्स के बारे में जरा, टायर और टायर इसके 19 इंच के हैं ना? 19 इंच के रेम है? 19 इंच के रेम है, वो कह रहे थे कि इस ज़्यादातर वो जो किया स्पोर्टेज की हैं दूसरी हैं उसके 18 इंच के रेम आते हैं, और इसके 19 इंच के रेम है जी, 225/55 R19 आगे पीछे डिस्क ब्रेक है जी। तो रियर देखते है, बेसिकली ये फ्रंट व्हील ड्राइव है। सही, पहाड़ी एरिया के लिए कैसे रहेगी? पहाड़ी एरिया के लिए इसके अंदर एक फ्यूचर है पहाड़ी जैसे लिए, वो भी पुश सिस्टम है, इसमें खासी स्पेस है। हाँ इसके अंदर वो खासी स्पेस है, बड़ा सामान भी रख सकते हैं, लेट भी सकते हैं बच्चे इधर। हाँ बिल्कुल, ये एक्स्ट्रा बच्चे यहाँ पे बिठा दे। कल कंपनी वालों ने ये किट दी थी, ये एक उसको ऊपर कवर है, ये कोई टायर क्लीनर है, कोई लेदर क्लीनर है, सारा कुछ ये गाड़ी को उन्होंने वो रजिस्ट्री वगैरह रखने के लिए चीज़ें दी हैं साथ, डॉक्यूमेंट गार्ड। हाँ जी
ये मैट हैं गाड़ी के, अभी डाले हैं, अभी इसमें थोड़ा बहुत सेटिंग होने वाली है। हाँ बस ये कल लाए, अभी इसकी रनिंग भी होगी तो बस आराम आराम से देखें। अच्छा जी, गाड़ी का तो रिव्यू हमने कर लिया, अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो कस्टमर के जो जहन में होती है वो होती है इसकी प्राइस। प्राइस अरे भाई आजकल जो है ना वो कस्टमर जो है वो क्योंकि जो डॉलर के रेट ऊपर नीचे हो रहे हैं तो फ्लक्चुएट कर रही है प्राइस जी। तो अभी इसकी प्राइस क्या है, कितनी पहले कितनी थी और अभी कितनी है? पहले कल जो मैं और मेरा दोस्त दोनों क्या बेसिकली है, मेरे दोस्त ही है ना, बहुत ही प्यारा दोस्त है, उसने कहा जी कि मुझे ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं चलानी आती, मैं साथ गया उसके, वो उधर से गाड़ी खरीदी तो उसने ये बोला कि जी ये गाड़ी पहले तकरीबन करोड़ के करीब करीब थी, मगर अब जो डॉलर अप डाउन हो रहा है उसके अंदर 91 लाख की हमें मिली है जी ये गाड़ी। 91 लाख ये विदाउट रजिस्ट्रेशन है, विदाउट रजिस्ट्रेशन, ये शोरूम प्राइस है जी, अभी रजिस्टर बाद में होगी, पता नहीं उसके कितने पैसे लगते हैं, वो टैक्स गवर्नमेंट के अप डाउन होते रहते हैं, कंफर्म नहीं है कि जी लाख लगेगा दो लगेगा, तकरीबन 1 करोड़ तक ये, हाँ तकरीबन ये सारा कुछ अपडेट करके सेटिंग करके 1 करोड़ रुपये तक पहुँच जाएगी इसकी गाड़ी। ये इसका ट्रंक है, ये कुछ सिस्टम ऑटो बंद हो जाएगी। दोस्तों ये था आज का हमारा रिव्यू चंगान और शान का X7 का, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में एक जो एक और गाड़ी जो मॉडिफाइड की हुई है इंशाल्लाह हम उसका जो आपको वो वीडियो है उस पर बनाकर आपको दिखाएंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।